आराधना में तुम लीन हो महाराज। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। कर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न। काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ? बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर गुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू लगाने के लिए, बेलपत्र के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहां लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे फुहारी लगा देता है। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी मां लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की डंडी पीछे की ओर कर, जहां बैठ कर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने, शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। आली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे बसा, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बारे बसा अपने।
वैशाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ, जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैन। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसक्तनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजो धर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा दानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसक्तनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसक्तनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसक्तनी। और हर हम आसक्तनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसक्तनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? आसक्तनी का स्मरण। अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना, साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए, फिर आसक्तनी का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्तनी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर आचमन कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्तनी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्त। जैसे गणेश जी की 2 सुंड होती है, एक राइट सुंड का गणेश, एक लेफ्ट सुंड का गणेश। कौन कौन से सुंड का? राइट सुंड और लेफ्ट। राइट सुंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सुन का गणेश आपका कोई ऑफिस हो, जहां से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सुन का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सुन का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सुन का गणेश होना चाहिए। और घर में जम के बोलो।